नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कल होने वाली है नौवें दौर की बातचीत, लेकिन उससे पहले किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है। नौवें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ गए हैं। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर पर हो रही है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर और साथ ही साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टरों के साथ रैली की है। कहा है कि एक रिहर्सल है, 26 जनवरी से पहले की ये रिहर्सल है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर 26 जनवरी को लाल किले तक मार्च निकाला जाएगा। 3 तस्वीरें दिल्ली की तमाम सरहदों पर किस तरीके से किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च चल रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सुबह से ही अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर मार्च, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, हर जगह से ट्रैक्टर मार्च निकला। हालांकि किसान ये भी दोहरा रहे हैं कि ये तमाम वो ट्रैक्टर्स हैं जो लगातार यहाँ से यहाँ पर डटे हुए हैं। किसानों के वो ट्रैक्टर सीधा चलेंगे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी मौजूद हैं। चित्रा, आपके साथ राकेश टिकैत भी हैं। क्या कह रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, आगे का इरादा क्या है? नवजोत, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे यहाँ पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर खड़े हैं और हजारों की तादाद में उसमें किसानों की मौजूदगी है। अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, माना जा रहा है कि कल जो बातचीत सरकार के साथ होनी है उसके ठीक पहले आप लोग अपनी ताकत सरकार को दिखा रहे हैं। हाँ, बिना ताकत के सरकार मानेगी? ताकत दिखा रहे, आगे क्या होगा अगर कल की बातचीत भी सकारात्मक दिशा में जाएंगे? जागरण अभियान चलेगा, झंडे निकाल लेंगे और 26 तारीख में दिल्ली की परेड में शामिल होंगे। ये जो ट्रैक्टर रैली है, ये ट्रेलर है, असली पिक्चर 26 जनवरी को 26 को होगी। टैंक और ट्रैक्टर इकट्ठा ही परेड में शामिल होगा। टैंक जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होता है, आप कह रहे हैं ट्रैक्टर भी उसके साथ और उसमें किसान? हाँ बेटे, दोनों है तो है कि किसान और मजदूर, किसान और जवान दोनों इकट्ठे हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगता है। जवान टैंक पे होगा, किसान ट्रैक्टर पे होगा, दोनों इकट्ठे ही होंगे। ठीक है जी, लेकिन एक और सवाल खड़े हो रहे हैं। कल जब नौवे दौर की बातचीत होनी है, सातवें में आप लोगों की दो बातें मान ली गई थी, तो थोड़ा क्या और समय नहीं देना चाहिए था? मतलब ये ट्रैक्टर रैली निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मान नहीं रही सरकार। सरकार मीठी मीठी बात करे, मानती नहीं, मान नहीं रही है सरकार। मान नहीं रही, और अगर नहीं मानेगी तो? और हम क्या कहीं जाल लग रहे, आप ऐसे ही अड़े रहेंगे? हाँ अड़े रहेंगे, ऐसे ही अड़े रहेंगे। आप लोगों को के पीछे कहा जा रहा है कि विपक्ष भी है जो चाहता नहीं है कि ये आंदोलन खत्म हो, उसके जरिए वो अपनी राजनीति को साधना चाहता है। सरकार के नुमाइंदों की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, उस आदमी को तो तलाश करो कौन है। उसे तो भारत रत्न देना चाहिए जिसने एक डेढ़ महीने तक इतने आदमी को दिल्ली के चारों तरफ को रोक कर रखा, उसे तो भारत रत्न दो। कौन है वो आदमी, उसकी तलाश करो। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के आप बड़े नेता हैं। 1988 में भी हमने इसी तरह की स्थिति देखी थी आपके ही इस आपके पिता के नेतृत्व में, और उसी तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर किसान आपसे लगातार बातचीत कर रही है, दो बातें मान ली गई हैं, आप लोग भी कहा जा रहा है कि जिद पर अड़े हुए हैं। जब कोई कानून पास होता है संसद भवन के भीतर से तो उस पर भी रिसर्च किए जाते हैं, एक्सपर्ट की कमेटी उसको रिकमेंड करती है, तब सरकार उसको लेकर आती है, तो उसमें आप संशोधन करने के लिए मानिए, आप कह रहे हैं कि नहीं तीनों का तीनों रद्द, सारे बंद हो जाएंगे, संसद आ जाएगा, बजट में तो आवेंगे ना संसद वाले सारे, तो उसे जब बदल देंगे। कौन है वे रिसर्च वाले, कौन थे उनका नाम बताओ हमें, एक आधे तो मिलेंगे उनसे जिन्होंने रिसर्च करके रिपोर्ट दी, उनका नाम बता दो किसी का। एक का नाम नहीं बता रही सरकार, सरकार नहीं बता रही है कि किसके ना ना किसके रिकमेंडेशन पे है। रिकमेंडेशन तो स्वामीनाथन कमेटी की भी थी, वह लागू करी नहीं, 2006 की पड़ी हुई है, वह पहले वाली सरकार भी जाली, ये भी जाली। 40 अलग अलग किसान संगठन है, क्या कोई ऐसा मुद्दा है एमएसपी को लेकर, क्या बातचीत आगे बढ़ पाई है? कहा जा रहा है कि तीनों कानून में संशोधन के लिए तो तैयार हो जाएगी सरकार, लेकिन उसको रद्द नहीं करेगी। अच्छा, करेगी? करेगी, हाँ रद्द करेगी। आपको लग रहा है रद्द करेगी? लग नहीं रहा, करवाएंगे रद्द। ऐसे कितने किसानों ने भाग लिया है अभी तक इस रैली में और कितने ट्रैक्टर शामिल हुए, अगर ओवरऑल कुछ आंकड़ा आप दे पाए? क्या गिनती कर रखी इनकी, जिसका मन करा किसान आ गया तो किसानों की लड़ाई है। ये बिना ही लिखत पढ़ो का मामला है, ये लिखत पढ़ो तो नहीं जाते मानते। हमने इनकी स्पीड भी बांधी थी कि 20 की स्पीड तो चलना, ये 45 पे चले, ये लिखत पढ़त नहीं मानते जाते। हाँ,
तो फिर अगर कल की भी बातचीत नहीं बन पाती है तो ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। देखिए आज तो मौसम थोड़ा मेहरबान है, धूप खिली हुई है, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी, ओले पड़े, आप लोगों के बिस्तर भी जो किसान है उनके गीले हो गए, तो फिर आखिर कब तक इस तरह की स्थिति, ठंड भी बढ़ती चली जा रही है। 2024 मई तक ये आंदोलन चलेगा, 2024 मई तक ये आंदोलन चलेगा, उसी समय लोकसभा के चुनाव होंगे अगले दौर के। इस तरह की बातें कहते हुए राकेश टिकैत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी एक बार जल्दी से चित्रा दिखाते जाइए तस्वीरें, लेकिन दो और हमारे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल की एमपी से हमारे साथ और कुमार कुणाल भी पेरिफेरल पर है। पहले ऐश्वर्या आपके पास वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितनी तादाद में ट्रैक्टर वहां पर है, क्या इरादे किसानों के आगे, क्योंकि कल भी अहम बैठक है। कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कल भी बहुत अहम बैठक है। अश्विनी आपको दिखाएंगे कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे ट्रैक्टर आए हुए हैं। किसानों का यही कहना है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, और मांगों पे बहुत स्पष्ट है किसान, तीनों फार्म लॉस को वापस लिया जाए, जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर 26 को दिखाई जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं जी। कब से बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर? हाँ जी, हम 26 तारीख से बैठे हैं जी। क्या चाहते हैं अब कल फिर से बातचीत होगी सरकार से, क्या उम्मीद है, क्या होगा? उम्मीद तो जी 8 बार होली वार्ता तो और होती रहेगी जी। अरे इतना ठोस कदम सरकार ने उठावेगी जब तक तो होती रहेगी जी, होती रहेगी। और आप हटेंगे नहीं, आज तो ट्रेलर है, हम तो हट जाते जी, मारी तो मजबूरी, मारे तो बच्चे नहीं पढ़ने का, भूखे मरेंगे जी। और इस गरीब जनता की या लड़ाई मारी मारी नहीं जी, या 95% की 95% जनता की भारत की लड़ाई है जी। तो ये लड़ाई जो है सब कुछ महंगा हो जाएगा, ये जो लड़ाई है ये देश की लड़ाई है। और आपको दिख रहा है कि देखिए अश्विनी आपको दिखाएंगे किस तरीके से काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे किसान आए हुए हैं, अपने ट्रैक्टरों पे हैं। देखिए हिंदुस्तान का झंडा भी हर ट्रैक्टर पे लहर रहा है, इनका यही कहना है कि हमारी मांगों को पूरा करिए, पिछली 8 बार से तो बातचीत हो ही रही है, कल की बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं। जी जी, शक्ति प्रदर्शन। कुमार कुणाल वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंची पूरी रैली? जय जवान, जय किसान। कुमार कुणाल मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगला टारगेट है सरपोर्ट, तो अभी तो कैमरा नहीं हो तो मैं बता दूं कि हम अभी उस जगह तक पहुंचे हैं जहां से ट्रैक्टर रैली को वापस होना है, और ये गाजीपुर से हम चले थे तकरीबन 9:30 बजे, और अब जाकर के ट्रैक्टर रैली वापस यू टर्न लेगी कुछ दूर से, जो हमारे पीछे पीछे हम आपको दिखाएं कि हम बिल्कुल ट्रैक्टर रैली के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये ट्रैक्टरों की वापसी अब होगी और गाजीपुर की तरफ जाएगा, तो लगभग 1 किलोमीटर बचा है जहां से यू टर्न लेगा और वापस ये गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेगा। तो ये एक तरीके से हमने पूरी जो जर्नी है, पूरी ट्रैक्टर रैली है, उसको हमने इस गाड़ी से आगे भी फॉलो किया है और आगे फॉलो करते रहेंगे। तो यही दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार इस ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी से थोड़ी देर पहले तक इन ट्रैक्टरों को रोक दिया गया था और पुलिस से बातचीत हुई है और पुलिस ने कहा है कि अब आप वापस लौटे, और इसी वजह से अब धीरे धीरे ये जो रैली है वो खत्म होगी, यू टर्न लेगा यहाँ से रैली और जाकर गाजीपुर में समाप्त होगी। तो ये स्थिति अभी हम सीधे सीधे आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड से सीधी तस्वीरें हैं, और यहीं से अब थोड़ी देर में वापसी की तैयारी नवजोत, और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर इस पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर मार्च करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल कुमार कुणाल, देख रहे हैं हम आपकी ये तस्वीरें आपके कैमरे से जो लगातार हमें मिल रहा है। हम सीधा चलेंगे, चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद है। चित्रा, बात आप कर रही थी राकेश टिकैत साहब से, उन्होंने इरादे तो बता दिए, लेकिन अभी तक की अगर रैली को, क्योंकि आप भी सुबह से कवर कर रहे हैं, कुमार कुणाल भी बता रहे हैं 9:30 बजे से वहां से रैली शुरू हुई थी, अब यू टर्न का वक्त, अगर इसके बाद सीधा गाजीपुर पहुंचेगी, कुल मिलाकर अगर अभी तक की रैली को देखा जाए तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर वहां पर पहुंचे?
देखिए अनगिनत है इनकी संख्या, जो ट्रैक्टर ट्रॉली उस पर बैठे हुए किसान, पीछे की तस्वीरें नवजोत अगर हम आपको दिखाना चाहें, अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ और किसान नेताओं का, क्योंकि ये एक तरफ से आए हुए किसान नेता है, दूसरी तरफ के जो किसान नेता है वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं पर लेकर आएंगे और यहाँ पर ये लोग मिलेंगे और फिर एक साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यंग चेहरे आपको दिखाई दिए जाएंगे, बुजुर्ग नजर आ जाएंगे, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो आई हुई हैं इस आंदोलन को और ज्यादा समर्थन देने के लिए। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से बहुत बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं ताकि 26 जनवरी को वही अगुवाई कर पाए। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, परीक्षा का वक्त है, क्योंकि एक तरफ जहाँ वो फायदे लगातार इन तीनों कृषि कानूनों के गिनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि आखिर वो कौन से संगठन थे जिनके कहने के बाद इस कानून को बनाया सरकार ने, हमारी तो राय नहीं ली गई है। कुछ लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं, सरकार के लिए दो मान लिए हैं, दो पर संशोधन कर लेंगे, आप लोग कह रहे हैं नहीं, आप लोग तो जिद पर अड़े हुए हैं। देखो जी, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा किसान कोई हलने का नहीं, चाहे 5 के 5 साल पूरे हिंदुस्तान के किसान को रोड पर सोना पड़े, किसान सोएगा लेकिन हलने का नहीं। कब तक ऐसे किसान मर गया, ठोड़ मर गया किसान। चित्रा, तो कल बातचीत होने वाली है, इस बीच ट्रैक्टर रैली लगातार जारी जिस पर हमारे तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आगे बढ़ेंगे। कल कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी है, लेकिन उससे पहले आज राज्यों के साथ एक बड़ी बैठक की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और बैठक में वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसके बारे में बताया गया है। कल सभी 33 राज्य वैक्सीन का ड्राई रन करने वाले हैं और इसी दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड योद्धाओं की जमकर तारीफ भी की। अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा, एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं, उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है, कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हमारी कोशिश यह है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की, हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। ये वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। तो ड्राई रन से पहले राज्य सरकारों के साथ बातचीत, आगे बढ़ेंगे। गांधीनगर में चल रही आरएसएस की बैठक आज खत्म हो रही और इस बैठक में किसान और बंगाल के साथ साथ राम मंदिर पर भी मंथन हुआ। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें। उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देश भर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देश भर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा। अगली खबर कश्मीर से, जहां पर बर्फ के पहाड़ के दरकने से लोग दहशत में आ गए। गुरेज में बर्फ नदी की तरफ पहाड़ से नीचे हाईवे तक आ गई, हालांकि
खैरियत ये रही कि उस वक्त उस इलाके में कोई मौजूद नहीं था, किसी की जान माल का कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। बर्फ का पहाड़ किस तरीके से दरका और नीचे की तरफ आया, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरेज इलाके की तस्वीरें। लगातार जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से पटा हुआ है। पहाड़ से हाईवे पर किस कदर बर्फ गिरी, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नदी की तरह बहती हुई बर्फ नीचे। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और आज बर्फबारी थमी है, लेकिन बर्फ़ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं उसका अगर उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो साफ जाहिर है कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बहुत सारी जगहों से अभी भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कों पे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई है और अब ठंड की वजह से कई सारी जगहों पे कोहरा भी जमा हुआ है। एयर ट्रैफिक पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद था, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग स्ट्रैंडेड भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी काफ़ी असर पड़ा है, तो जहां इस बर्फबारी की वजह से जो है मौसम में बदलाव आया, वहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ती नज़र आई। मेट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अगले कुछ दिनों तक लगभग 14 जनवरी तक इस चीज़ का फोरकास्ट है कि ड्राई और कोल्ड वेदर रहेगा, तो बर्फबारी होने के इम्कान कम है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल्लाह, श्रीनगर, आज तक। तो लगातार बर्फबारी हो रही है, उत्तर भारत में भी मौसम के तेवर अभी फिलहाल सख्त ही। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जोरदार बर्फबारी हर इलाके में हो रही है, तमाम पहाड़ी राज्यों में हिमपात की वजह से हालात वैसे ही गंभीर हैं। आज कश्मीर को फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हिंदुस्तान के तीनों पहाड़ी राज्यों में मानो हिमयुग लौट आया है। हिमयुग इसलिए क्योंकि पहले से जमी बर्फ बिखर भी नहीं पाती कि उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ जाती है, इसके बाद तीसरी, फिर चौथी, गिनती यूं ही बढ़ती चली जा रही है और पहाड़ ठिठुरते जा रहे हैं। पिछले चार दिनों से लगातार जारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में आफत मची हुई है। ठंड से बुरी तरह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सड़कों से लेकर घरों तक बर्फ की चादर नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। वहीं रास्तों को साफ करने का काम जोरों से चल रहा है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा और बांदीपुरा समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। उधमपुर, बारामूला, सोनमर्ग, जोजिला और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट तक जारी हो गया है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की जान पर बनाई है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से एक घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। घर की छत पर भारी बर्फ के चलते घर ढह गया। कश्मीर के बांदीपुरा में 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं गुरेज में 3 फीट और तुलेल में 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। राजौरी और पुंछ जिलों के सभी ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में 2 दिन से बिजली की समस्या बनी हुई है। मुगल रोड पर चंडीमढ़ से सड़क के साथ साथ बोफलायाच तक के क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। हिमाचल में आसमान से सफेद आफत बरस रही है। मनाली समेत तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी रुक रुक कर जारी है। पर्यटन स्थल सोलंग नाला, कोठी, गुलाबा के साथ साथ अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। सोलंग नाला में बीते दिन से 45 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि कोठी में 36 सेंटीमीटर, पलचान में 10 और मनाली शहर में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बर्फबारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी के चलते घाटी का देश के अन्य हिस्सों से सड़क संपर्क कट गया है। घाटी में बिजली, पेयजल आपूर्ति सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है।
अटल टनल के पास सिस्सू और धुंधी में करीब 2.5 फुट ताजा हिमपात हुआ है। इस साल इन इलाकों में अभी तक करीब 6 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने लाहौल, कुल्लू और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भी आसमान से गिर रही सफेद आफत ने मुश्किल बढ़ा रखी है। बद्रीनाथ में बर्फ की 2 फीट मोटी चादर बिछ चुकी है। मंदिर के अलावा आसपास की दुकान और घरों में भी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। बर्फ इतनी कि पूरा इंसान बर्फ में धंस जाए। चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। औली में कहीं 1 फीट तो कहीं आधी फीट बर्फ बिछी है। घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे और जमीन हर तरफ सिर्फ बर्फी बर्फ नजर आ रही है। टिहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव में सबसे अधिक बर्फ गिरी है। घर, मकान, खेत खलियान, हर जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।